पहले अरिजीत सिंह ने गाया, फिर बुमराह ने फसाया, फिर रोहित शर्मा ने बजाया। और अब अगर आपको बताऊं कि इंडिया के जो सबसे अमीर लोग हैं उनकी टोटल संपत्ति कितनी है, तो वो है 100। ये भाई एक अलग ही कैरेक्टर है, कभी ताला बांध लेती है, कभी पंखे के खिलाफ प्रोटेस्ट पे बैठ जाती है। शी इज लाइक द ह्यूमन वर्जन ऑफ रोडीज, ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी रेलेवेंट। मैं तो ये सोचा था यार पैसा कितना होता है यार पान मसाला वालों के पास। अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, तीनों की एक साथ जुबान केसरी करवा दी। अभी मुख्यमंत्री चुनेंगे, बाद में प्रधानमंत्री, अभी आरएस का क्वार्टर, बाद में ब्लेंडर भी मिल सकती है। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम, दिस इज आरजे, यू वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। भाई मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया, ना बिल्कुल, नो ना नेवर नदारद यार, कुछ तो कंपटीशन देते जनाब। क्या था ये 150 पे दो, 190 पे ऑल आउट, ना इतना बुरा कोलैप्स तो हमारे यहाँ की मीडिया का नहीं था जितना आपके यहाँ की क्रिकेट टीम कर गई। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। मोमिन भाई को वीजा देना था यार, जितना एंटरटेनमेंट आपकी टीम स्टेडियम में नहीं कर पाई वो बाहर कर देते शुरू में। हाँ ओपनर और बाबर आजम ठीक खेले, लेकिन जहां इमाम का विकेट गिरा उसके बाद तो कोई कॉम्पिटिशन था ही नहीं। मतलब हमारे वाले को तो डेंगू था, आपके वालों को कौन सी बीमारी लगी? गजब बेइज्जती है। मैच हाइलाइट्स, ऑफ कोर्स इंडिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हरा दिया है, और इसी के साथ ओडीआई वर्ल्ड कप में अब स्ट्रीक है 8-0। पहले अरिजीत सिंह ने गाया, फिर बुमराह ने फसाया, फिर रोहित शर्मा ने बजाया, छक्के मारे नहीं छुड़ा दिए उसने, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा रन मारे बाबर आजम ने 50, इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा ने ही आधे से ज्यादा रन बना दिए, बट मैन ऑफ द मैच रहे जसप्रीत बुमराह, जो एक खतरनाक 2.7 की इकोनॉमी रेट के साथ उन्होंने दो इंपॉर्टेंट विकेट भी ली। पता कहने में विश्वास नहीं हो रहा मुझे, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट भाई इकोनॉमी हो या क्रिकेट टीम, इस टाइम पर पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान की स्ट्रांग लग रही है। स्पोर्ट्स की बात, अगली कंट्रोवर्सी है बॉलीवुड से। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले अक्षय कुमार के एक पान मसाला ब्रांड इंडोर्स करने पर थोड़ा विवाद हुआ था। पहले अजय देवगन कर रहे थे, फिर हमारे एसआर के भाई भी आए, फिर तीनों मिलकर इंडोर्स कर रहे थे। मैं तो ये सोचा था यार पैसा कितना होता है यार पान मसाला वालों के पास। अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, तीनों की एक साथ जुबान केसरी करवा दी। खैर अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार में डिफरेंस ये है कि अक्षय कुमार को थोड़ा सा ना फिटनेस आइकन माना जाता है, तो जब उन्होंने इंडोर्स किया था और पब्लिक ने क्रिटिसिज्म किया था तो उन्होंने माफी मांगी थी और बोला था कि अब ऐसा प्रोडक्ट वो आगे जाके इंडोर्स नहीं करेंगे। एक और ऐसा पान मसाला का ऐड आया जहां अजय देवगन और एसआरके के साथ अक्षय कुमार एक बार फिर से दिखे। लोगों ने बोला कि ये कैसी हिपोक्रेसी है, पहले सॉरी बोलते हो बाद में रिटर्न इज ब्रांड एम्बेसडर। बाद में खिलाड़ी भैया ने क्लेरिफाई किया कि नहीं इनका आप कोई लेना देने नहीं है उस ब्रांड के साथ। इन्होंने बताया कि जो एड दिखाया जा रहा है ये 2 साल पहले शूट हुआ था और जब तक लीगल कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता अगले 2 महीने तक और दिखाया जाएगा, उसके बाद मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं चला जाऊंगा। तो वापस आते हैं इजराइल पैलेस्टीन के मुद्दे पर। हाँ 21st century और फुल फ्लेजेड एक वॉर चल रहा है। बेसिक कॉन्टेक्स्ट बता दूं, हमास ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर हमले किए थे जिसके बाद से इजराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया था और फिर बेंजामिन नेतन्याहू जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है वो फिर सरदार खान बन गए। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। उसके बाद गाजा स्ट्रिप पर इजराइल टूट पड़ा है, वेस्टर्न कंट्रीज का फुल सपोर्ट है और उन्होंने बम ही बम दागे हैं, लगभग 1300 तो बिल्डिंग्स गिरा दिए हैं और बाकी अगर सीरिया और जॉर्डन जैसे बाकी कंट्रीज आ रही हैं तो उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। फिर बाद में पैलेस्टीनियंस को वार्निंग दी कि खाली करो फटाफट और फिर बाद में टैंक्स लेकर गाजा स्ट्रिप के अंदर ही घुस गए। खैर ये तो थे अपडेट, लेकिन जंग इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में चल रही है, जीत कौन रहा है पता है? फेक न्यूज। इस टाइम पर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर इजराइल पैलेस्टीन के युद्ध के मामले में कोई ना कोई उल्टी सीधी वीडियो डली है। कोई भी न्यूज, कोई भी मनगढ़ंत, कोई भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो, कहीं की भी इमेज इजराइल पैलेस्टीन वॉर की बताकर आपको व्हाट्सएप पर, आपके फेसबुक पर शेयर की जा रही है। अल्टीमेटली बाद में पता चलता है कि इनमें से आधी से ज्यादा फेक है। फॉर एग्जाम्पल वो जर्मन की जो टूरिस्ट जिसका बताया गया था कि भाई वो म्यूटिलेट कर दिया गया है, बाद में उसकी मम्मी ने बताया कि वो तो जिंदा है। फिर और भी ऐसी कई फोटोज वायरल हुई ऐसे जो बच्चों की केजेस में थी या फिर गाजा की ऐसी थी कि भाई गाजा पूरा जल गया, पता चला कि किसी और देश की और किसी और कॉन्टेक्स्ट की तस्वीरें, यहाँ की तो है ही नहीं।
कहने का मतलब ये कि बहुत सेंसिटिव मसला है और इट इज डेवलपिंग। इसराइल और पैलेस्टीन को लेकर आप बहुत भावुक हैं, बहुत वोकल हैं, अच्छी बात है, बट प्लीज कुछ भी शेयर करने से पहले एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना, क्योंकि फेक न्यूज की भरमार है इस टाइम मार्केट में। बात करें हमारे देश की इंटरेस्ट की, तो इसराइल में 18,000 भारतीय भी फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू करने के लिए भारतीय सरकार ने ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया है, जिसके तहत वो धीरे धीरे करके जितने भी इंडियंस फंसे हुए हैं उनको वापस लाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये एक बड़ी वीडियो वायरल हुई, हमारे टाइम्स नाउ के रिपोर्टर पाजी ये गए इसराइल में वॉर कवर करने, और भाई वॉर कवरेज क्या होती है, इन लोग को तो आता नहीं है, क्योंकि इन लोग को तो ऐसे वॉर कवरेज करनी होती है, ठीक है, इनके लिए तो वहां पे वो क्या था, गंगनम स्टाइल चल रहा होता है। तो ये जब रिपोर्ट करते हैं तो इजरायली सोल्जर उनके तरफ चुप करे मैनेजर, वहां बेचारे इसराइल के सोल्जर परेशान है कि साला हमास से पहले डील करें या इंडियन मीडिया से। अरे जंग चल दी पाजी, थोड़े यार का ब्याह नहीं है जो उछल दे पायो। इसराइल पैलेस्टीन इंडिया मीडिया सिक्किम फ्लड्स मणिपुर वायलेंस, दिस मीम इज इंडियन मीडिया इन अ नटशेल, अच्छे से देख लो, एंड इट इज फनी बिकॉज देयर इज अ जोक बट इट इज ऑन अस। इमेज ऑफ गोदी मीडिया, इजराइल सेना का रडार, कैसे बच गया पैराग्लाइडर। वैसे हमास टेररिस्ट कैसे पैराग्लाइडिंग करके आए, उसके लिए तुम्हें पैराग्लाइडिंग करने की क्या जरूरत थी यार, उन्होंने तो रॉकेट लॉन्चर भी चलाए, तो तुम लोग वो अच्छा अच्छा वो भी कर ही लेते हो। तो सबसे पहले थोड़ी पॉलिटिक्स बता लेते हैं, अगले साल होने वाले लोकसभा इलेक्शंस के पहले इस साल 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर असेंबली इलेक्शंस होने हैं जिनके डेट्स अनाउंस हो गए। अच्छा, कुछ लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में डिफरेंस क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं क्या। बेसिकली लोकसभा इलेक्शन नेशनल होते हैं और असेंबली इलेक्शन स्टेट के लिए होते हैं, मतलब अभी ये 5 राज्य हैं, ये अभी अपने विधायक चुनेंगे, बाद में सांसद, अभी अपना ये राज्य सरकार बनाएंगे, बाद में केंद्र की सरकार बनाएंगे, अभी मुख्यमंत्री चुनेंगे, बाद में प्रधानमंत्री, अभी आरएस का क्वार्टर, बाद में ब्लेंडर भी मिल सकती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। खैर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना एंड मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं, एंड इलेक्शन डेट्स आर एस फॉलोस। मिजोरम में इलेक्शन 7 नवंबर को होंगे, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 25 नवंबर को, तेलंगाना में 30 नवंबर को, और छत्तीसगढ़ में 2 फेजेस में इलेक्शन होंगे, पहला होगा 7 को और दूसरा होगा 17 नवंबर को, और इन सब के रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे 3 दिसंबर को। जा क्या है उस दिन, क्या बताओ, संडे है, संडे शो भी देख लेना तभी। अगली न्यूज है जी बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। मेटा, द पेरेंट कंपनी ऑफ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, इज नाउ प्लानिंग अ $14 मंथली सब्सक्रिप्शन फॉर एड फ्री ब्राउजिंग ऑफ देयर प्लेटफॉर्म्स। ओ अंग्रेज, हिंदी बोलने में शर्माती, मतलब कि कन्याओं की स्टोरी देखने का टिकट कटेगा, किराया लिया जाएगा। ये भगवान क्या जुलुम है। इसका प्राइस पॉइंट जो है वो $14 रखने की बात कर रहे हैं, जो कि यूरोप में होगा लगभग 1100 रुपए, आप समझ सकते हो, और इंडिया में उसी चीज के लिए थोड़ा सा कम 700-800 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं, और ये कटेगा, यूट्यूब बैंस नहीं चलता यहाँ पे, पहले पैसा कटेगा फिर रील चलेगा, फिर अपना काम खल्लास। दरअसल यूरोप और बाकी कंट्रीज में ना काफी टाइम से डेटा प्राइवेसी को लेकर एक डिबेट चल रही है, कि कैसे कैसे जो बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं हमारा डेटा कैसे ले रहे हैं, उसको कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहां बेच रहे हैं, इसको लेकर वो काफी ज्यादा सिक्योर रहते हैं, इसको लेकर काफी सतर्क रहते हैं। इसी को लेकर हाल ही में उन्होंने डिजिटल पर्सनल डेटा प्राइवेसी एक्ट लाया था, डीपीडीपी एक्ट कहते हैं, जहां डेटा प्राइवेसी की बात आती है विदेशी काफी सतर्क होते हैं, इसलिए आईफोन वहां पे इतना बिकता है, क्योंकि इसमें होता है ना आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक। तुम तो एंड्रॉइड वाले गरीब आदमी, मुझे क्यों तोड़ा। हाँ, इंडिया में लेकिन अपन चले, अपन को फर्क नहीं पड़ता क्या चाहिए तुम्हें, तुम 10% डिस्काउंट दो, नेम, एड्रेस, मोबाइल, फोन नंबर लो, गैलरी भी देख लो, मेरी खुली किताब है अपन। तो खैर, इस प्लान पर काम चल रहा है, और हो सकता है बहुत ही जल्द आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने के लिए एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़े। अगर आप फीस नहीं भी दोगे तो भी आप चला पाओगे, बट उसमें आपका डेटा लिया जाएगा और आपको पर्सनलाइज एड्स दिखाए जाएंगे, जैसे YouTube प्रीमियम का सिस्टम होता है। बाय द वे, इंस्टाग्राम पे तो आप सबकी आईडी होगी, पहले तो मुझे फॉलो कर लो यहाँ पर, ये @sundaysartak, और दूसरा मुझे बताओ कि अगर आपसे इंस्टाग्राम चलाने का पैसा मांगा जाए तो क्या आप दोगे। मैं बता देता हूँ ट्रेड ऑफ क्या है, कि अगर आप पैसा दोगे तो आपका डेटा नहीं लिया जाएगा, एड्स नहीं दिखाए जाएंगे, फ्री में चलाओगे तो भाई एड्स दिखाए जाएंगे और डेटा लिया जाएगा। तो क्या आप अपने डेटा के लिए ₹800 देना चाहोगे। #metafees देखकर आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दो रिपोर्ट की बात करते हैं, पहली है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें इंडिया 2 पायदान नीचे खिसक गया है, पहले हमारी रैंक थी 109, अब 111वां पोजीशन है हमारा 125 देशों में से, 28.7 के स्कोर के साथ 125 देश में से इंडिया का 111वां स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अब इस इंडेक्स को हमारी सरकार ने नकार दिया है, बोल दिया कि भाई इसमें मेथोडोलॉजिकल इश्यूज है, आपका कोई खराब इंटेंट है, ये
रिपोर्ट सही नहीं हो सकती। और हम टाइम टू टाइम देखते हैं कि जैसे जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आती है उसमें इंडिया का पोजीशन थोड़ा नीचे होता है और हमारी सरकार उसको नकार देती है। और इसका रीजन है ये, इंडियन सरकार ने कहा है कि 3 out of 4 इंडिकेटर्स यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ द इंडेक्स आर रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है ये ज्यादातर 4 फैक्टर से मिलकर बनता है, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी और अंडर नरिशमेंट। अब हमारी सरकार का ये कहना है कि आप जो अपना इंडेक्स कैलकुलेट करने की जो फैक्टर्स ले रहे हो ये हंगर से रिलेटेड कम बल्कि अंडर नरिशमेंट से रिलेटेड ज्यादा है। और ये बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश में अंडर नरिशमेंट बहुत है, मतलब कि हमारा जो न्यूट्रिशनल लेवल है, जो हमारे देश बच्चों हैं उनको खाना तो मिलता है बट पोषक खाना नहीं मिलता, वो बैलेंस डाइट नहीं होती। अब इसका मतलब ये है कि हमारे देश में अंडर नरिशमेंट है विच वी एक्सेप्ट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि भूख ज्यादा है, हंगर इतनी है कि भाई आप हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी नीचे रखोगे इस मामले में, विच मेक सेंस। खैर ये रिपोर्ट तो थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है लेकिन जो अगली रिपोर्ट है उसमें कोई डाउट नहीं है, 100% सच है। बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले टाइम में जब प्री इंडस्ट्रियल लेवल से आज का तापमान 2 degrees से ज्यादा बढ़ जाएगा तो जो इंडस वैली रीजन है यानी कि जो वेस्टर्न इंडिया है, पाकिस्तान का रीजन है, सब सहारन रीजन है, इसमें गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि लगभग 2.2 billion यानी कि 220 करोड़ लोगों के लिए गर्मी घातक स्तर पर पहुंच जाएगी। एंड बिकॉज जो कंट्रीज मेंशन की गई है ज्यादातर मिडिल इनकम कंट्रीज है तो यहां की जो पॉपुलेशन है ये एसी जैसे मेजर्स यूज नहीं कर पाएगी, तो ज्यादातर जो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना एक लेवल तक ही हीट सहन कर सकती है, उसके बाद गर्मी बढ़ेगी तो हीट स्ट्रोक्स आना शुरू हो जाएंगे, हार्ट की बीमारियां होने लगेंगी और ज्यादा गर्मी होने की वजह से अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लोगों की जान जाने लगेगी। अब आई नो ये न्यूज इस पॉइंट पर ज्यादातर स्पेकुलेशन लगे बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है और ग्लोबल वार्मिंग के असर और देखने को मिल रहा है ये और भी ज्यादा आगे जाके सीरियस सिचुएशन बनेगी। एंड बहुत जरूरी है कि आने वाले टाइम में इसको हम एक मुद्दा बनाएं क्योंकि अभी जो बूमर्स गए उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, आने वाली जनरेशन है वो ग्लोबल वार्मिंग के, वो क्लाइमेट चेंज के असर झेलेगी, तो आने वाले टाइम में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। अभी तो अपने हिंदू मुस्लिम में अंबित यहां भी कोई सीन नहीं है। अच्छा अगली न्यूज के लिए आई वॉन्ट योर एब्सोल्यूट फोकस वरना ट्रेन छूट जाएगी। अबॉर्शन यानी कि गर्भपात को लेकर हमारे देश में इन दिनों एक बड़ी डिबेट चल रही है, अगर आप ये फिलिस्तीन इजराइल वाला छोड़ दो तो हमारे देश का मुद्दा सबसे बड़ा यही है। तो हुआ क्या कि एक 27 साल की महिला कोर्ट पहुंची हमारे और वो 6 महीने प्रेग्नेंट थी, उन्होंने बोला कि हमको ये बच्चा नहीं चाहिए जनाब, गिरवाने की परमिशन दो। और उसकी जस्टिफिकेशन के लिए उन्होंने कहा कि मैं एक पोस्टपार्टम साइकोसिस नाम की बीमारी से जूझ रही हूं, उसकी बड़ी हैवी मेडिकेशन होती है, दवाइयां बहुत लेती रहती हूं, बच्चे के लिए वो एक रिस्क है और मुझे चाहिए भी नहीं है। अच्छा इन्होंने परमिशन इसलिए मांगी क्योंकि ये 6 महीने से ज्यादा से प्रेग्नेंट है। अब यूजली हमारे देश में क्या होता है कि बच्चा रखना है या गिराना है ये टोटली जो मां होती है उसका डिसीजन होता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक, उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत वो अलाउड नहीं है। अगर 6 महीने से ज्यादा का समय बीत जाता है तो आपको फिर डिलीवरी के लिए बढ़ना पड़ेगा। एक्सेप्शंस आर रेप सर्वाइवर्स क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी वॉलंटरी नहीं होती। तो ये महिला पहुंची, इन्होंने कहा भाई मेडिकेशन पे हूं, मेरे को बच्चा नहीं चाहिए। पहले तो कोर्ट ने अलाउ कर दिया, बाद में मेडिकल टीम में जो एक डॉक्टर था उन्होंने कोर्ट से बोला कि नहीं जनाब आप अपने डिसीजन को एक बार रिव्यू कीजिए क्योंकि द फीटस इज डेवलप्ड, मतलब अभी सिर्फ अंदर एक भ्रूण नहीं है, एक जीता जागता शिशु है, धड़कने चल रही है अब उसकी। फिर जब दोबारा डिसीजन हुआ तो कोर्ट ही अपनी सहमति नहीं बिठा पाया, कुछ जजेस का कहना था कि नहीं हम अलाउ कर सकते हैं बट कुछ जजेस का कहना था कि नहीं अलाउ कर सकते। इफ आई वर टू कोट, द कोर्ट सेड हाउ कैन वी अलाउ अ चाइल्ड टू बी किल्ड इन द वूम्ब एंड नाउ इट्स अ केस ऑफ राइट टू चॉइस वर्सेस राइट टू लाइफ बाय द वे व्हिच इज अ वेरी प्रोमिनेंट इशू इन अमेरिका। वहां पर अबॉर्शन इतना बड़ा मुद्दा है कि वो एक इलेक्शन इशू है वहां पर, बट हमारा देश जो है वो हमेशा राइट टू चॉइस के ज्यादा फेवर में रहा है। हमने हमेशा माना है कि जो माँ है उसका डिसीजन होता है कि बच्चा रखना है या गिराना है, लड़की चाहे तो गिरा सकती है वरना उतनी नौबत नहीं आती है। सास ससुर बोल देते हैं अब तो भैया भगवान का प्रसाद है, क्या हो गया, घर में एक नया वारिस आ जाएगा, 5 तो हैं, क्या चल रहा है, मिश्रा जी को प्रसाद खिलाओ जरा, उत्सव की तैयारी करो। खैर इस मामले में आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपको लगता है कि 6 महीने के बाद भी महिला को अधिकार होना चाहिए या उसके बाद राइट टू लाइफ भी एक चीज हो जाती है? आप अपना ओपिनियन #abortionrights लिखकर नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा चलो बहुत इंटेलेक्चुअल बातें हो गई, अब एक इंटरेस्टिंग न्यूज बताता हूँ। इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच युद्ध चल रहा है, दुनिया भर में टेंशन है, इसी बीच सारे जितने भी देश हैं अपनी मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं, बट इंडिया को एक ऐसा जवान मिला है जो एक ही झटके में पाकिस्तान और चाइना दोनों के ठक्के छुड़ा सकता है। मतलब जवान है या जवानी है क्या है आप खुद ही देख लो। माननीय मोदी जी मैं रेडी हूँ, मुझे आप चाइना भेज दो, पाकिस्तान भेज दो, जहाँ भेजना भेज दो, मैं अपने देश की रक्षा के लिए कोई भी अगर बीच में आया घून के रख दूंगी, घून के रख दूंगी। ये भाई एक अलग ही कैरेक्टर है, कभी ताला बांध लेती है, कभी पंखे के खिलाफ प्रोटेस्ट पे बैठ जाती है, गदर तो सेक्युलर है, है वैसे हिंदू, कभी क्रिश्चियन, पार्ट टाइम मुस्लिम, मतलब मस्त, इनका एंटरटेनमेंट ही खत्म नहीं होता। शी इज लाइक द ह्यूमन वर्जन ऑफ रोडीज, ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी रेलेवेंट। मैं तो जिंदा लाश हूं। सोचो अगर इसको बॉर्डर पे खड़ा कर दिया तो चाइना का क्या होगा। हेलो, हां शी जिनपिंग, क्या मतलब नौकरी छोड़ रहे हो?
अगली न्यूज है फाइनेंस रिलेटेड। हुरून की वेल्दीएस्ट लोगों की लिस्ट आ गई, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023, जो बेसिकली बताती है कि हमारे देश में सबसे अमीर लोग कौन है और उनकी कितनी संपत्ति है। एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, 8 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर व्यक्ति है गौतम अडा। अच्छा उनका तो हिंडनबर्ग का केस हो गया ना, सॉरी मुकेश अंबानी। रिलायंस के कूपन दे दो। और हालांकि हिंडनबर्ग और बाकी सारे प्रोब ऑडिट के बाद अपनी 50% से ज्यादा संपत्ति खो चुके हैं, फिर भी गौतम अडानी देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उसके बाद इनका नाम आता है, वो है वैक्सीन मेकर साइरस पूनावाला, लगभग 2,78,000 करोड़ है इनकी संपत्ति। फिर है HCL ग्रुप के शिव नादर, लगभग 2,28,000 करोड़। हिंदुजा ग्रुप के गोपीचंद हिंदुजा, 1,76,000 करोड़। और अब अगर आपको बताऊं कि इंडिया के जो सबसे अमीर लोग हैं उनकी टोटल संपत्ति कितनी है, तो वो है 109 लाख करोड़। 109 लाख करोड़। यू काउंट द जीरोस, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज सुनो, आने वाले टाइम में राजस्थान में चुनाव होने हैं और इसी बीच बीजेपी ने एक सेल्फ गोल कर दिया। ध्यान से सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। तो भाई राजस्थान में है कांग्रेस की सरकार, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी चल रही है और इसी बीच बीजेपी वहां पर कई सारे ऐसे कैंपेन्स चला रही है जो राजस्थान सरकार को टारगेट कर रहे हैं ना, जिसका कोर है कि भाई नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, करप्शन नहीं सहेगा राजस्थान, 19,000 से अधिक किसानों की जमीन नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान। और बगल में लगाई इन अंकल की फोटो, जो कि ऐसा लग रहा है बीजेपी की मीडिया टीम में किसी इंटर्न ने काम किया होगा। ये उससे बोला कि गरीब किसान चाहिए, पुअर इंडियन फार्मर, नहीं नहीं रुक सुनो, राजस्थानी गरीब किसान चाहिए, पुअर इंडियन राजस्थानी फार्मर। अभी जो दादाजी है इनका नाम है मधुराम जयपाल, जैसलमेर के हैं, और इनको अब फोन आना शुरू हो गए कि भाई साहब यार तुमने तो अपनी जमीन नीलाम कर दी, ऐसी क्या आन पड़ी थी। तुमने कहा जमीन नीलाम कर दी, भाई पोस्टर लगे आपके। इन्होंने जब देखा तो इनको कितना गुस्सा, इन्होंने बीजेपी पे केस कर दिया कि पहली बात तो मेरी जमीन नीलाम नहीं हुई और दूसरी बात तुमने बिना परमिशन की फोटो कैसे यूज की मेरी, विच इज वेरी आयरोनिक एंड वेरी जस्टिफाइड। कि भाई कैसा लगेगा आपको भी, आप खुद सोचो, अगर मैं जमाने में खबर फैला दूं कि आपका डिवोर्स हो गया और फिर आप क्लेरिफिकेशन देते घूमो कि यार मेरी तो शादी भी नहीं हुई, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी यहाँ पे। हफ्ते की सबसे बड़ी ट्रेजेडी रही जब बिहार में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल हो गई। पूरी कहानी बताता हूं, दरअसल दिल्ली से लेकर आसाम ये ट्रेन जा रही थी और रात के लगभग 9:30 बजे जब ये बिहार से गुजर रही थी तब पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर दी, जिसके बाद लगभग 9-10 बोगियां जो हैं वो डिरेल हो गई। अब होता क्या है, यूजली एक ड्राइवर जो होता है लोको पायलट ट्रेन का, इमरजेंसी ब्रेक तभी लगाता है जब उसको लगता है कि भाई ट्रेन में सामने जो ट्रैक है उसमें कुछ लगा हुआ है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, रेड सिग्नल है या फिर कुछ ऐसा है जिससे ट्रेन अगर टकराएगी तो एक हादसा हो सकता है। तो उसने इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई की और बाद में ये डिरेलिंग वाली घटना हुई, इसमें कई सारे लोगों की मौत, 4 लाख का कंपेंसेशन भी दिया गया। खैर, बड़ा मसला यहां पर ये है कि काफी टाइम से ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी फोटोज वोटोज वायरल होती रहती है, ऐसे इंस्टेंसेस सामने आए हैं जहां पर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है। कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रैक्स में कई किलोमीटर लंबे पत्थर बिछा दिए गए हैं या फिर ट्रैक में ऐसी छेड़खानी की गई है ताकि ट्रेन आए और यहां पर एक दुर्घटना हो। अगर यहां पर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो भाई ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही होंगी, लेकिन हमारे देश में कुछ लोगों को चुल भी होती है कि पत्थर रखेंगे, टूथपेस्ट रख देंगे कि ट्रेन ट्रैक पर देखेंगे कैसा होता है, बट समटाइम्स दिस कैन गो टू फार। एक मस्त नॉनसेंस न्यूज सुनाता हूँ इंदौर से, जहाँ पर एक 60 साल की नहीं एक्चुअली 70 साल के व्यक्ति ने एक कैफे को आग के हवाले कर दिया। जब पुलिस ने पूछा कि मालिक ऐसा क्यों किया तो भाई साहब ने बताया कि इस कैफे में जो है लड़कियां बहुत धूम्रपान करती हैं और इससे हमको प्रॉब्लम होती है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है, इसलिए हमने कैफे में ही लाइटर लगा दिया। बुड्ढे सटे आते हैं, ये 70 आ गया है, ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। भैया ऐसे बूमर्स को कंट्रोल करो, बंदा किसी दिन दिल्ली के हॉस्कास पहुंच गए ना, वहाँ का इनने माहौल देख लिया तो वहीं धरने पर बैठ जाएंगे और बोलेंगे सब बंद करो, नहीं तो कह रहे हैं यहीं पे पेट्रोल डाल के आत्मदाह कर लेंगे हम। क्या आत्मदाह का बात थोड़ा ज्यादा बोल दिए हैं ये। चेन्नई में एक मस्त घटना हुई जो मुझे लगता है कि हर जगह होनी चाहिए। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को ऑनलाइन 2,000 रुपए क्रेडिट किए और जब उसने अपना बैंक अकाउंट देखा, मैसेज आया तो पता चला कि इस ट्रांजैक्शन के बाद उसके बैंक अकाउंट में 750 करोड़ रुपए पड़े थे। भाई कहा जाता है कि एक बार सरस्वती माता जमान पे बैठती है, तो भाई जस्ट सेइंग, क्या पता कोइंसिडेंस आपके साथ भी हो जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मुझे 2,000 रुपए भेज के देखो जरा, क्या पता मी हू नोस लक ट्राई करने में क्या जाता है। खैर, जब बाद में इस व्यक्ति ने बताया बैंक वालों की कि मालिक हमने तो 750 रुपए डिपॉजिट किए थे, 750 करोड़ रुपए कैसे है मेरे बैंक अकाउंट में, तो फिर बैंक वालों ने बोला कि नहीं नहीं सर, ये टेक्निकल ग्लिच था और बाद में इसका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। मेरे को समझ में नहीं आता बैंक वालों से ऐसी गलती हो कैसे जाती है, और अगर होती है तो मेरे साथ क्यों नहीं होती इन लोग की। यार मैं तो 750 रुपए कभी लोन मांगने जाऊं तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक की फोटोकॉपी, बिजली का बिल, सीटी स्कैन सब मांग लेते हैं। अच्छा अगली सुनो यूपी के मेरठ की कहानी, जहां पर म्युनिसिपैलिटी ने क्या किया कि वेस्ट से
महात्मा गांधी का एक स्टैच्यू बनाया, कितनी अच्छी बात है, वेस्ट मैनेजमेंट भी हो रहा है, फादर ऑफ द नेशन का स्टैच्यू भी बना, विन विन नहीं। लेकिन कुछ लोग एंटी नेशनल, उनको पसंद नहीं आया, वो बोल रहे हैं कि भैया रातों रात इस स्टैच्यू को हटाओ वरना आपकी गुद्दी बजा देंगे। और इस एंटी नेशनल पन का नहीं जस्टिफाइड रीजन है, स्टैच्यू देखोगे तो पता चलेगा। दिखाओ, पहले कमरे की लाइट बंद करो, करो करो करो, लाइट बंद करो, अंधेरे में आओ थोड़ा, व्हेन यू आर डन टेल मी, रेडी, दिखाओ। अगर गांधी जी जिंदा होते ना तो अपने ही स्टैच्यू को देख के बोलते, ओ मोरी मैया जो का देख लो। भाई कोई रात को देख लेना तो हार्ट अटैक से मर जाए। जहां तक बात रही म्युनिसिपैलिटी वालों की, तो भाई साहब आपका आईडिया अच्छा था, बस आपने एग्जीक्यूशन में वाट लगा दी। क्या बोला, बीजेपी ना नटशेल। अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए आपको मेरठ से लेके चलते हैं कानपुर की ओर, और थोड़ा ध्यान से चलना, रास्ते में किसी ने पीक थूका हुआ है। यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी, ये भाई साहब, ये पुलिस में कंप्लेंट लिखाने गए कि दो लड़के आए थे इनसे लड़की पटाने का उपाय पूछने, और फिर इनको लूट के चले गए। यही नहीं, और सुनिए, चोरी की कंप्लेंट हुई, पुलिस ने जब लड़कों को पकड़ा तो लड़कों ने कुछ अलग ही कहानी बताई कि हाँ भाई साहब हमने चोरी तो की, बट ये जो गुरु जी है ये सेक्रेड गेम्स वाले गुरु जी है, रात को हमको आशीर्वाद दिए, कुंडली खोल दी हमारी। लड़कों ने बताया कि बाद में हमने गुरुजी का विरोध किया कि हम तो 36 गुण मिलाने आए थे, आप तो 69 गुण मिला रहे हो, है ठीक नहीं है, कंसेंट नहीं है हमारा। तो फिर गुरुजी ने उनसे बोला कि भस्म कर देंगे अगर ज्यादा बोले तो, इसलिए उन्होंने उन्हें लूट लिया। बताओ ये सब हो रहा है आजकल, आप लगे हो बियर भाई से पर रही लिट पे एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट देखने वाले, असली खेल तो ये खेल रहा है। एक तो बालकों की गलती है, उनको समझ जाना चाहिए था कि गुरुजी उनकी कुंडली खोल देंगे, मतलब तुम देख रहे हो उसको, ऐसा लग रहा है अपनी दुकान बंद करके सीधा प्राइड परेड में जाएगा ये, और ऐसे लोगों से लौंडे लड़की पटाने की टिप्स मांग रहे हैं। अरे वो खुद लेडी सूट पहना है यार। बट अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं और आप ये सुन रहे हैं तो इस सब चीजों से बच के रहा करो, ये एस्ट्रोलॉजी और ये ज्योतिषी विज्ञान की और ग्रह दशा और ये सारी बातें ना, ये यूट्यूब पे कुछ महिलाओं द्वारा और कुछ पॉडकास्ट में ही अच्छी लगती है। वैसे ढेरों ऐसे ढोंगी बाबा बैठे हैं जो आपको बस इन नाम पे बस लूटने बैठे हैं। कर्म पर विश्वास करो, फल अपने आप मिल जाएगा। आज का सुविचार ना, आज का सुविचार, मैं भी अपना चैनल खोलूंगा बाबा संडे वाले। संडे बाबा, संडे बाबा, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, संडे बाबा। आपको एक हिस्ट्री की बात बताता हूँ, हमारे देश के नागालैंड राज्य में अभी तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। What? Yes, you heard that right. नागालैंड के स्टेटहुड के 60 साल और आजादी के 75 साल बाद तक भी इस राज्य में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। और मैं ये हिस्ट्री की बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस हफ्ते कोहिमा में नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज, नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, खुल चुका है। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने इसको इनॉग्रेट किया है, और इस साल पहले बैच में 100 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो MBBS का कोर्स वहां पे करेंगे। 85 वहां के लोकल हैं और 15% इंडियन कोटा से भी आएंगे। इस समय पर ये थोड़ी दुख की बात भी है कि अभी तक इस स्टेट में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। हम जो सुपर पावर होने की बात करते हैं, बट इतने लंबे टाइम तक ये कितना बड़ा हमारा फेलियर था कि एक राज्य में हम मेडिकल कॉलेज भी नहीं खुलवा पाए थे। बट खैर, देर आए दुरुस्त आए, पहला मेडिकल कॉलेज नागालैंड में खुल चुका है। और जनाब क्या चल रहा है? अच्छा, दिल्ली मेट्रो की एक और वीडियो वायरल हुई जहां ये कपल था जो एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा था और उसके मुंह से दूसरा पी रहा, देख लो मतलब। अरे यार जी, ऐसे लोगों को दिल्ली मेट्रो से नहीं, ऐसे लोगों को रोड से भी बैन कर देना चाहिए। पिचकारी पिचकारी खेल रहे हैं यार वो, मतलब ट्रॉमा। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। एक और वीडियो वायरल हुई अपेरेंटली किसी ऑफिस की जूम कॉल की थी जहां पर एक इंकलाबी एम्प्लॉई दिखा। स्विगी पे चलाओ। राहुल गांधी भैया, हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि कोई तकलीफ नहीं होती। भाई वो कम से कम एक टर्म सोच रहा है, लोगों को लग रहा है कि एक दिन के लिए बन गए तो क्या करोगे। देख रहे हो तुम सप्लाई एंड डिमांड का कितना गैप है। द इंग्लिश इन माय माइंड, फॉर इंस्टेंस आई विल रिक्वेस्ट यू टू डू एन एक्सपेरिमेंट। व्हेन यू वॉक आउट ऑफ योर स्टूडियो टुडे, जस्ट टॉक टू एनी द फर्स्ट 10 पीपल दैट यू कम अक्रॉस ऑन द स्ट्रीट। द इंग्लिश आई स्पीक, दे आर वो जो स्प्रेडिंग फेक न्यूज, ये वो जो ये चिप्स मांग रहा है। इंसान अगर इंग्लिश में बात करके करे तो बहुत सी बातें दिल में रह जाती है। बट प्रॉब्लम ब्रो डियर इज योर इंग्लिश केजरीवाल, माई इंग्लिश मनोज तिवारी। अंडरस्टूड नो, बिहार वाले टैलेंट अब दिल्ली में भी। फाउंटेन नोजल्स वर्थ ₹10 lakh स्टोलन फ्रॉम आउटसाइड G20 वेन्यू इन दिल्ली। 10 lakh की फाउंटेन नोजल्स,
ऐसी खबर आई कि भाई बैंगलोर में 10 लाख का बस स्टैंड चोरी हो गया। पहले बताओ कि 10 लाख का बस स्टैंड दिखता कैसे है? 10 लाख वो अमाउंट है कि अगर तुम मारुति को दोगे तो बस दे देंगे तुम्हें बना के पूरी। चोरी तो हुई है 10 लाख की, बट टैक्स के पैसों की। तो ये थे इस हफ्ते के वायरल मीम्स। अगर आप भी शेयर करना चाहें तो ये QR कोड स्कैन कीजिए, हमारे सार्थक सभा को ज्वाइन कीजिए। आप वहां पर जाके न्यूज शेयर कर सकते हैं, मीम शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी हफ्ते की सारी न्यूज वाया एक्सक्लूसिव वीडियोस। हम BTS वीडियोस भी देते हैं और कुछ हम लोग एक्सक्लूसिव मीटिंग्स भी करते हैं जिसका आपको एक्सेस मिलेगा। और साथ ही हमारा एक सभा पत्र भी होता है जिसमें हम सारी न्यूज को ब्रेक डाउन करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। पिछले हफ्ते की सारी खबर आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, अगर नहीं देख पाए तो जरूर देख लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक लिए अपना ध्यान रखना। टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।